This is the third video lecture of chapter 11, Work and Energy, class 9, Science. So today we are going to discuss about energy. In the first two video lecture, we discussed about what is work done according to science, okay? And whether it is a scalar quantity or vector quantity, okay, what is the SI unit of work done, what is the nature of work done, okay, on what factors the work done depends, that all things we have discussed, okay, that means overall we have discussed work, we have a basic frame regarding work. Now we are going to study about energy, because work is somewhat related to energy, and regarding this, we would be studying today work energy theorem. So what is that? Before moving to that, let us first understand what is energy. अगर मुझे work और energy का relation समझना है, तो उससे पहले मुझे work क्या है, energy क्या है, वो पता होना चाहिए. Work क्या है? We have seen in first and second video lecture. In second video lecture, we solved numericals regarding work, है ना? उसकी formula, work done is equal to force multiplied by displacement, है ना? So, ये वाली formula से कैसे questions आ सकते हैं, how you have to solve, few questions we have discussed. और एक और shorts वाला link दिया था, है ना? जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम extra questions solve कर सकते हो, and the solutions are already given. Done? Okay. What else I am trying to say here is, we are going to start with energy. अच्छा, energy. अब अगर मैं तुमको ऐसे बात करूं, चलो आज हम energy पढ़ रहे हैं. और मान लो, you know, I started my video like this. Hello students, this is the third video lecture. You might be thinking, मैम को क्या हो गया? है ना, अगर मैं अभी आगे से ऐसे पढ़ाऊं, चलो तो आज हम एनर्जी देखते हैं. ऐसा कुछ मैं बोलूंगी, so you might be thinking, कि क्या हो गया मैम को, है ना? कहाँ गई मैम की एनर्जी? So you know, right now what I'm, you know, in a way I'm speaking, in a way I'm explaining you, you might be thinking, हाँ, एनर्जी है. अब अगर मैं एनर्जी, you know, ऐसा रख रही हूँ, so after listening to me, you would be also getting some energy. हाँ, चलो एनर्जी आ गई, अच्छा है, चलो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे. आप बुक और पेन लेके बैठे हैं, आई एम श्योर, है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, बाहर में तो क्या है, बस ऐसे सुनते रहते हैं ना, अगर मोबाइल है हाथ में, और अगर किसी को घूम घूम के पढ़ने की आदत है ना, एक जगह बैठा नहीं जाता, तो वो ऐसे ऐसे मोबाइल देखते देखते ऐसे ऐसे घूमेंगे, है ना, घूमते घूमते क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा टिश्यूज पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं. द थिंग इज के व्हेनेवर यू नो यू आर स्टडिंग फिजिक्स, प्लीज टेक अ पेन एंड बुक, ठीक है, एंड व्हेनेवर आई आस्क यू टू राइट, प्लीज नोट इट डाउन. दूसरा थियरी लिखो नहीं लिखो, तो थिंग विच यू हैव टू राइट इज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. तो हर बार ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चलो न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला पता चल गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स. आर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. नोइंग फॉर्मूला इज नॉट ओनली द थिंग, है ना, ऐसे तो फिर मैं तुमको चलो इस चैप्टर में तीन चार फॉर्मूला लिखो, चलो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नो, दैट इज नॉट द थिंग. What it is about, each term in the formula is important. Okay, okay. Without wasting much time, what I was saying that, कि अगर मैं आपको आके ऐसे पढ़ाती हूँ, धीरे-धीरे बोलती हूँ, also my low sound, also my speed decreases, what would happen? Okay, you might be thinking कि मैम के पास आज एनर्जी नहीं है, क्या पता मैम ने सुबह का खाना नहीं खाया हो, सुबह का दोपहर का जब भी तुम देख रहे हो उस टाइम का, मैंने उस पहर का, यू कैन से, है ना, उस पहर का मैंने खाना नहीं खाया, यू वुड बी थिंकिंग लाइक दैट, है ना. सो दैट व्हिच यू आर ऑब्जर्विंग, है ना, कुछ भी, जैसे ये इंसान जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, ये इंसान हमेशा ऐसे चलता है, यू नो सम पीपल आर लाइक दिस, ओनली लाइक दिस, दे हैव नो एक्सप्रेशंस, नो फीलिंग्स, और बस ऐसे ऐसे भी होते हैं लोग, हाँ सच में. और दूसरे कैसे होते हैं, ऐसे जॉली जॉली रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं. सो यू नो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ओके, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, कि द फर्स्ट पर्सन विच इज जॉली जॉली, विच इज यू नो इन अ मूड ऑफ जंपिंग, यू नो, सो दैट यू माइट बी थिंकिंग दैट पर्सन इज एनर्जेटिक, एंड व्हेन आई से यू नो दैट वाला पर्सन हमेशा ऐसा रहता है, ऐसा ही, मतलब पता है उनकी आंखें भी ऐसे थोड़ी सी, मतलब ऐसे छोटी रहती है हमेशा, नो एक्सप्रेशन, ऐसा लगता है नींद में, सो दे आर, या कह सकते हो लेजी, जो भी पर्सन यू नो पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेजी संडेज, बट यू नो ऑल ओवर द टाइम अगर लेजी रहते हैं, सो
that person is not having energy. What you are observing is not the amount of energy. In daily life, what you are observing is the effect of energy. Market. Effect of energy tum dekh rahe ho. Wo energy ka ek effect hai. Right now, I am saying loud enough, okay, expressive enough, is because this is what you are, you know, observing is the effect of energy. Okay. And, you know, like this, what you are observing now is the effect of energy. I want to say that in daily life, jo bhi tum dekhte, that is not energy. Because you cannot see energy. Okay, although you are saying that, yes, energy exists, but you cannot see. Right now, you are breathing air. You are respiring. You are breathing. Both are different things. You are very well aware. I know you are smart students. So, I say, ये तुम देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ मैं सांस ले रही हूँ छोड़ रही हूँ सांस ले रही हूँ छोड़ रही हूँ ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट एक्सहेल इन एक्सहेल आउट क्या कर रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ सांस ले रही हूँ सांस अंदर मैं हवा ले रही हूँ क्या हवा दिख रही है हवा दिख रही है तुम्हें हवा अंदर ऐसे जा रही वो डायग्राम में कैसे दिखाते हैं ऐसे यू नो दिस इज द नोज और फिर यहाँ से ऐसे हवा अंदर जा रही है हवा बाहर आ रही है ठीक है तो ये जो एरो है दिस आर डिपिक्टिंग एयर ऑल्दो एयर इज नॉट विजिबल टू यू दिखती है क्या है नहीं दिखती है बट यू कैन सी द इफेक्ट मैं हवा ले रही मैं फील कर रही हूँ ना सो यू कैन फील द एनर्जी यू कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ एनर्जी बट यू कैन नॉट सी द एनर्जी इटसेल्फ है ना हवा देखते हो क्या नहीं लेकिन हवा की वजह से जो तुम मेरा मूवमेंट देख रहे हो ऑफ दिस ब्रेस्ट कैविटी एंड यू नो दिस मूवमेंट ऑफ नोज एंड यू नो द साउंड वो सांस अंदर लेने की बाहर निकालने की जो आवाज आती है ना वो सब क्या है दीज आर इफेक्ट ऑफ एनर्जी सो बॉटम लाइन ऑफ दिस यू नो होल एक्सप्लेनेशन इज के जो भी तुम डेली लाइफ में देखते हो That is not energy because energy is not visible to you. What you observe is the effect of energy. Clear? अच्छा था ना ये? चलो कोई नहीं. अब आगे बढ़ते हैं. तो energy है क्या? है ना? जो हम देखते हैं चलो वो effect of energy. तो energy क्या? Energy possessed by moving hammer to do work. Example ले रहे हैं ना? जैसे अगर you know मुझे एक nail ड्रिल करना है अंदर इन द बॉल और यू नो आई वांट टू मेक दिस स्क्रू मूव इनसाइड द बॉल ओके सो आई वुड बी हैमरिंग दिस इज हैमर अब अगर मैं सिर्फ हैमर को यहाँ नेल के ऊपर रख देती हूँ क्या तुम्हें लगता है स्क्रू अंदर जाएगा मैंने क्या बोला कि मान लो मुझे ये नेल को इधर अंदर दीवार के अंदर घुसेरना है ड्राइव इन करना है ओके सो अगर मैं हैमर को सिर्फ नेल के ऊपर ऐसे रख देती हूँ क्या वो अंदर जाएगा क्या वर्क होगा जब तक मैं इसको ऐसा 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 नहीं करूंगी अंदर नहीं जाएगा है ना द थिंग इज मूविंग हैमर इज डूइंग वर्क बट व्हेन आई सिंपली प्लेस द हैमर इट वोंट बी डूइंग एनी वर्क है ना तो जब मैं मूव करूंगी तभी एनर्जी आएगी मींस मूविंग बॉडी इज पोजेसिंग एनर्जी अगर मैं हैमर को मूव कर रही हूं इट इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो मूवमेंट हो रहा है displacement हो रहा है let us see in your you know at your angle तुम्हें यहाँ से सिर्फ इतना दिख रहा होगा है ना तो let us do this कि यहाँ दीवार है suppose there is an imaginary wall इसके अंदर मुझे ये screw घुसाना है हालांकि screw थोड़ा बड़ा है but you know understand the concept है ना तो मान लो ये मैं wall के अंदर घुसा रही हूँ मैं hammer लगा रही हूँ you see carefully मैं जब hammering कर रही हूँ तो क्या हो रहा है ये हैमर जो है ये डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है साथ में मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या आया वर्क डन आया सो यू नो एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज हैविंग द कैपेबिलिटी कैपेसिटी या एबिलिटी देखो ऐसा बोलते कैपेसिटी या एबिलिटी दोनों को मिलाओ तो कैपेबिलिटी ठीक है तो जिसके पास कैपेसिटी है जिसके पास एबिलिटी है टू डू वर्क दैट मींस दैट इज पोजेसिंग एनर्जी मैं कब बोलूंगी कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसके पास एनर्जी है तब जब यू नो इट इज एबल टू डिस्प्लेस एंड इज एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अगर फोर्स लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है मतलब एनर्जी है कैसे पता लगाओगे कि वो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है हाँ कैसे पता लगाओगे वो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है बिकॉज ही इज
he is having or it is having the capacity to do work. Okay, next let us see another example. Fast moving ball has capacity to throw the stumps away. Wo wickets or stumps hote hain. I do not have, you know, basically much knowledge about cricket, but yes, I know ki the fast moving ball, you know, when hits the stumps or wickets, maan lo ki main halka sa dheere se ball dalti hu, wo sirf, you know, stump ko touch hota hai. There is a difference, you know, wo stumps hilenge hi nahi na, obviously. Aur main zor se maarungi to wo stump उड़ जाएंगे, हिल जाएंगे, whatever, है ना? So the thing is, क्योंकि fast moving ball है, ball move कर रही है, fast क्यों हुई? मैंने force लगाया ताकि वो ball जाए, force है उसके पास, moving ball के पास, velocity है कुछ, move कर रही है कुछ speed से, और इसकी वजह से stumps उड़ जा रहे हैं, so the, you know, the stumps उड़ जा रहे हैं, is the effect you are seeing. And what is the energy is possessed by this fast moving ball. Because it has the ability to do work. Another example. Let us see, you know, let us take another example in which you are, you know, asked to wind, you know, chabi. मतलब अभी नहीं तो बचपन में कभी ना कभी ऐसा एक, you know, तुम्हारे पास खिलौना होगा जिसमें तुम ऐसे चाबी घुमाते हो, चाबी वाला खिलौना है ना, चाबी घुमाते हो, ठीक है, और फिर जैसे ही उसको, मतलब मान लो तुम्हारे पास कार है, उसमें चाबी है, तुमने 1 2 3 4 घुमाया, और जैसे ही तुमने, यू नो, फ्लोर पे रखा, द कार स्टार्ट्स मूविंग. व्हाट हैपेंड इज दैट, यू नो, कॉइल्ड स्प्रिंग, वो रिकॉइल होती है, जैसे ही रिकॉइल होती है, सो इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द कार. यू नो, जस्ट वॉन्ट टू, यू नो, पे योर अटेंशन, यू नो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस 2-3 एग्जाम्पल्स, व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट द बॉडी having capacity to do work is said to be possess energy. तो कैसे पता चलेगा कि एक particular object के पास energy है? कैसे पता चलेगा? It would be because, you know, that body is having the capacity to do work. अगर body ऐसे ही खड़ी है, no displacement, no forces apply. हैमरिंग वाला बात कर रही हूँ, सॉरी, आई फॉरगॉट टू से, मतलब हैमरिंग में मैं सिर्फ हैमर को नेल के ऊपर रख देती हूँ, न तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, न तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हैमर का. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स नहीं है, मतलब वर्क नहीं है, वर्क नहीं है मतलब उस बॉडी के पास एनर्जी नहीं है. अगर एक ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्वियसली दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट, कि अगर आप काम कर सकते हो मतलब आपके पास एनर्जी है. हम बोलते हैं यार आज हम बहुत थक गए हैं, बस अब और आगे काम नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं ना, आज हम बहुत थक गए हैं और आगे काम नहीं होगा. दैट मीन्स व्हाट, हाँ, कि आपके पास अभी वर्क करने की कैपेसिटी नहीं है. जैसे ही आपके पास कैपेसिटी आ जाती है, दैट मीन्स यू आर पोजेसिंग एनर्जी. सिमिलरली इफ एनी ऑब्जेक्ट is, you know, having the capacity to do work. चलो भाई इधर से उधर भागने की क्षमता है, मैम आज मैं 10 राउंड लगा सकता हूँ ग्राउंड का. So that is the thing, that you are having the capacity to do that work, and that means you are possessing energy. Clear? Concept is easy. Okay, next, energy of a body, the capacity or ability to do work is known as energy. एक बॉडी में एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ बॉडी, यानी एक बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, उसको कैसे डिफाइन करोगे? कि उस बॉडी के पास जितनी कैपेसिटी है या एबिलिटी है काम करने की, दैट इज एनर्जी ऑफ अ बॉडी. सिंपल. ओके, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्या समझे? चलो क्या समझे बताओ जरा. एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन. अगर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, जब भी मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगी, ऑलवेज द एनर्जी आई वुड बी गेटिंग इन जूल. व्हाई? सी, यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेम एज दैट ऑफ वर्क. क्यों? कि भाई जितनी वर्क तुम्हारे पास वर्क करने की कैपेसिटी है, दैट मींस उतनी एनर्जी है. यानी वी आर रिलेटिंग वर्क विथ एनर्जी, एंड वर्क इज सेम एज एनर्जी. देयरफॉर द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज नथिंग बट जूल. वी आर एबल टू रिकॉल वर्क
क्या था, न्यूटन मीटर, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर, इफ आई से एसआई यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर, एसआई यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर, यू कैन राइट न्यूटन मीटर एज जूल. सो अगर वर्क डन का यू नो एसआई यूनिट या यूनिट जूल है, दैट मींस व्हाट, एनर्जी का भी यूनिट जूल है, एनर्जी का भी यूनिट जूल है. ओके नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड है एनर्जी के पास, मैग्नीट्यूड है सपोज 250 जूल, दैट मींस द एनर्जी इज 250, बट इन विच डायरेक्शन डोंट नो. सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस नॉट हैविंग डायरेक्शन बट हैविंग सम मैग्नीट्यूड, हैविंग सम वैल्यू. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. तो क्या समझे यहां से कि एनर्जी जस्ट लाइक वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर क्वांटिटी, है ना. वर्क डन, एनर्जी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर क्वांटिटी. अगर तुम अपना यू नो सिर ऐसे ऐसे हिला रहे हो, यस मैम, तो झाग जाओ, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज. दैट मींस अपार्ट फ्रॉम हैविंग मैग्नीट्यूड, भाई इतना फोर्स लगा, लेकिन फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है. सो ऑल्दो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी, जाग रहे हो ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी, देन टू ऑल्सो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन टू ऑल्सो, और यू कैन से ऑल्सो नॉट देन टू ऑल्सो, बिकॉज वो तो इसके लिए था ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है भले ही, पर फिर भी वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी. एंड सिंस वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सिंस वर्क इज सिमिलर टू एनर्जी, देयरफॉर एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. डन, चलो आगे. यूनिट्स ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने बताया वन जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे वन जूल ऑफ एनर्जी डिफाइन करें. वहां कल मैंने जो कल इन द सेंस जो मैंने वो फर्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में यू नो वन जूल का डेफिनेशन बताया था, ठीक है. वन जूल इज नथिंग, मैंने कहा था अपना डेफिनेशन बनाओ. देखो अभी तक अगर डेफिनेशन नहीं बनाया, अभी भी टाइम है, बना लो, है ना. मैंने बताया था वन जूल है, इसमें कौन कौन से टर्म इंपॉर्टेंट होने चाहिए, वन न्यूटन एंड वन मीटर. जब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तब मुझे वन जूल मिलता है. तो मैं बताने का भाई इतना फोर्स लगाएंगे, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमें वन जूल मिलेगा. ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, द डिस्प्लेसमेंट विच इज यू नो अकरिंग इन द बॉडी और द डिस्प्लेसमेंट विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये सब चीजें होनी चाहिए, मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया कैसे डिफाइन कर सकते हो. ये था वन जूल ऑफ वर्क डन, बट मैं बोलू वन जूल ऑफ एनर्जी. So, one joule of energy is required or consumed, यानी चाहिए या तो फिर आपको expend करना पड़ेगा, है ना, expenditure करना पड़ेगा of this energy. So, energy required or consumed. One joule of energy is required or consumed to do one joule of work. Clear? Easy है ना, समझ आया ना, joule और energy से, work और energy same ही है, ठीक है. So ये तो था एसआई यूनिट, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, वन जूल. सो वन जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, बट व्हेन आई से यू नो किलो जूल, किलो जूल इज द लार्जर यूनिट, किलो जूल इज द लार्जर यूनिट. अब ऐसा नहीं कि ये किलो जूल मैंने एनर्जी में बताया तो तुम एनर्जी में यूज करो, नहीं, कभी कभी वर्क डन को भी किलो जूल में रेफर कर सकते हो, जिसका भी यूनिट जूल, यू कैन यूज दिस. वन किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, बताने की जरूरत नहीं. किलो आता है मतलब क्या, 10^3, दैट इज 1000. अब मैं बात करती हूँ सीजीएस यूनिट, व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट. तो सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज वन जूल इज इक्वल टू 10^-7, समझते हो, 10^-7, 1 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, this much erg. So this is another unit you can use. Okay, so 1 joule is equal to 10^-7 erg,
is the CGS unit. This is the larger unit, and 1 joule is the SI unit. Clear? अच्छा, आगे. Forms of energy. भाई एनर्जी तो कई तरह की होती है. पहला लिखा है मैकेनिकल एनर्जी. व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सो मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट वी कैन राइट लाइक दिस. अभी आगे पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी. थोड़ा जल्दी लिखो ना, ये क्यों आराम से लिखूंगा ना. मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो ये वाले रिलेशन पे तब आएंगे जब हमें ये पता होगा और ये पता होगा. ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आज शायद मैं काइनेटिक एनर्जी तक ही करा पाऊं, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में. काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं. पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाऊंगी, फिर बताऊंगी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है. वही इन दोनों का सम. अगर ये पता है ये पता है, इन दोनों को सम करोगे, व्हाट यू वुड बी गेटिंग इस मैकेनिकल एनर्जी. चलो ये समझ आ गया. नाउ तो मैकेनिकल एनर्जी के अलावा दूसरी कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है? तो पहला देखो, आई मीन सेकेंड, इधर सेकेंड होगा ना, हीट. हीट एनर्जी. सो हीट एनर्जी, सपोज यू आर बर्निंग समथिंग, लेट अस टेक अ टेस्ट ट्यूब और इसमें तुमने वाटर ले लिया. तुम्हें लगा कुछ केमिकल डालेंगे? नहीं, अभी चलो ना समझने के लिए वाटर. चलो तुमने कोई कंटेनर ले लिया, उसमें वाटर डाल दिया और अब नीचे क्या है, बर्नर. तो ये क्या है, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम बर्नर टू दिस कंटेनर. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, सो दैट मीन्स दिस बर्नर हैज द कैपेसिटी टू हीट दिस कंटेनर और हीट दिस यू नो वाटर विच इज बॉइलिंग. अगेन लाइट एनर्जी. हियर लाइट मीन्स सनलाइट, सन की एनर्जी. बाप रे बाप, है ना, कहाँ कहाँ नहीं यूज होती है ना, इन सोलार सेल्स, इन सोलार कुकर्स. ओके, मेनी मेनी यू नो, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट. भाई जितनी यूज करनी करो, इसका बिल नहीं देना पड़ेगा. लेकिन अगर वही लाइट एनर्जी जो ट्यूबलाइट है, उसका तो बिल देना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जिस तो जो ट्यूबलाइट है उसको लाइट एनर्जी मत बोलना, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना बिल भरो. थिंक इज दैट. But when I say light energy, that is specifically talking about sun, solar energy, electrical energy. पता है ना, ये पढ़ के आए ना हमें 6-7 से पढ़ रहे electricity, electricity. Okay, chemical energy, chemical energy. बताओ, chemical reactions जो हो रही है, chemical energy. Okay, sound energy, sound. Chapter 8, oh class 8 में है ना, class 8 में chapter 13 living science का साउंड पढ़ के आए. उसमें क्या पढ़ा? उसमें द साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, इट ट्रांसफर फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. तुम अभी मुझे सुन पा रहे हो? अभी मतलब जब भी देख रहे होंगे, अभी जो मैं कह रही हूँ वो कौन सुन रहा है? माइक्रोफोन. ओके, सो माइक्रोफोन तो वहां है, मैं यहाँ हूँ. ठीक है, सो मेरी आवाज वहां तक कैसे पहुंच रही है? हाउ इज साउंड ट्रेवलिंग इन एयर? ऑलरेडी डिस्कस, बताने की जरूरत नहीं है. मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वाइब्रेशंस की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से आवाज पहुंच रही है ना माइक्रोफोन तक, दैट इज साउंड एनर्जी. क्लियर? मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेट्स पड़े हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है. अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. क्यों? तो बिकॉज दे आर फॉर्मिंग सम मैग्नेटिक फील्ड. दे आर फॉर्मिंग सम मैग्नेटिक फील्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड दे कैन अट्रैक्ट. तो दैट इज अ मैग्नेटिक एनर्जी, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी आजकल इस पे बहुत चल रहा है ना. न्यूक्लियर एनर्जी जो है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दिस इज द एनर्जी यू कैन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम. पढ़ा है ना एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल्स. सो एटम, एटम के अंदर आता है न्यूक्लियस. भूल तो नहीं गए ना, है ना, न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है? एनर्जी. सो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी. एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उस सेल के न्यूक्लियस नहीं है. बायोलॉजी नहीं पहुंचो, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री.
केमिस्ट्री के जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एनर्जी, कैसे ये एनर्जी को यूज कर सकते हैं? तो दिस एनर्जी इज ऑफ टू टाइप, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन समझते ना, फ्यूजन आजकल बोलते हैं ना, फ्यूजन, फ्यूजन कर दिया मतलब एक को दूसरे से, सॉरी, एक को दूसरे से मिला दिया, फ्यूज है ना, फ्यूज कर रहे हैं दो न्यूक्लियस, दो एटम के न्यूक्लियस को फ्यूज कराए। तो जब फ्यूज कराएंगे, जब कोलाइड कराएंगे तब एनर्जी रिलीज होगी, या एक को फिजन कराएंगे। फिजन तुम्हें याद है बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन वाला बायोलॉजी, ऐसे बाइनरी फिजन होता था या सेल डिवीजन होता था, अंदर न्यूक्लियस ऐसे देखो डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना, बाइनरी फिजन। फिजन मतलब क्या, डिवाइड, टू डिवाइड। तो या तो आप न्यूक्लियस को डिवाइड करके उसके अंदर से एनर्जी लो, या दो न्यूक्लियस को, ठीक है, बम्बार्ड कराओ, कोलाइड कराओ, समझ आया? सो दिस इज हाउ यू नो यू कैन ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी तो ऐसी कई तरह की है। इन दिस चैप्टर वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। एज आई सेड, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैकेनिकल एनर्जी को समझना है सो वी वुड बी फर्स्ट अवेयर अबाउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। एज आई सेड इन दिस वीडियो लेक्चर आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू काइनेटिक एनर्जी। चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज द एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क एंड हेंस possesses kinetic energy। कोई भी moving object है, क्यों मूव कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग दैट मीन्स द मूविंग ऑब्जेक्ट, यू नो द काइंड ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट मूविंग ऑब्जेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, अगर वो मोशन में है, उसके पास कुछ कैपेसिटी है वर्क करने की। मैंने कहा एनर्जी, एक बॉडी के पास एनर्जी है तभी कह सकते हो जब उसके पास कैपेसिटी है या एबिलिटी है वर्क करने की। सो अगर मैं मूविंग ऑब्जेक्ट भी कंसीडर कर रही हूं, अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है टू डू वर्क, देन इट कैन बी सेड दैट इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? इजी? हाँ। अब एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी आई कैसे? वर्क और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? और कह सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टार्ट करें, बुक और पेन बोला था लेकर बैठना, यहां पे काम आएगा। पहले कुछ मत लिखो, शांति से समझो, डिराइव करते हैं, फिर बताती हूँ कैसे याद रखना है। बहुत सिंपल है, ठीक है? देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम और यू कैन से एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। चलो, एक ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m, मूविंग विथ अ वेलोसिटी, ठीक है, मूविंग विथ अ सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर, ध्यान से समझना, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऐसी स्पीड में मूव कर रहा है, वो करता रह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में, विद हैविंग सम मास, द मास इज m इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। अब क्या हुआ, ये चलते चलते तुमने इसको और धक्का मार दिया, धक्का मारा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर कुछ होगा। तो दिस मूविंग ऑब्जेक्ट यू नो एक्वायर्स, और यू कैन से शोज सम डिस्प्लेसमेंट। मूविंग ऑब्जेक्ट अंडरगोज सम डिस्प्लेसमेंट, व्हाई? बिकॉज यू प्रोवाइडेड सम फोर्स, तो कुछ फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट शो किया, क्योंकि तुमने बाहरी से फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ,
वर्क डन हुआ ना। दूसरा, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी। ये ज्यादातर ये एग्जांपल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि फुटबॉल का मैच चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत क्रेज में चल रहा है ना फुटबॉल। ठीक है, जिनको है ना कुछ नॉलेज भी नहीं होता ना फुटबॉल, वो भी फुटबॉल। हाँ हाँ आई हैव सीन मेनी पीपल कि जिनको ज्ञान भी नहीं है स्पोर्ट्स का, तो भी बैठे थे मैच आ रही है। अरे समझो तो सारी, चलो कोई नहीं। तो फुटबॉल का जब मैच चल रहा है समझो, ठीक है, मेरे को नहीं पता ये सब फुटबॉल वगैरह, लेकिन नॉर्मली कुछ मैच चल रहा है, ठीक है, तो वो बॉल कहीं से किसी ने किक मारी होगी, वो बॉल ऐसे आ रही है, ठीक है। मूवी मत याद करो किक, तुम ये याद रखो कि किसी ने यू नो बॉल पे धक्का मारा, नो किक्ड सिंपली, तो वो किक्ड बॉल मूव होते होते आ रही है, ठीक है। लेकिन तुम्हें उधर उस डायरेक्शन में नहीं जाने देना, तुम्हें उधर जाने देना, ठीक है, तुम्हारा गोल उधर है, कुछ ऐसा ही होता है ना, मुझे नहीं पता, तुम्हारा गोल उधर है, तो तुम क्या करोगे, वो जो मूविंग बॉल आ रही है उसको अपोजिट डायरेक्शन में किक करोगे, है ना। अगर बॉल ऐसे आ रही है तो तुमने यहाँ से किक किया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि आपने फोर्स लगाया मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, चलती हुई बॉल, आई मीन भागती हुई बॉल आ रही है और तुमने किक मारा, यानी तुमने फोर्स लगाया तो वो बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तुमने बहुत जोर से मारा तो पहले जितनी स्पीड से चल रही थी बॉल उससे ज्यादा भाग रही है, समझ रहे हो। मतलब तुमने जब किक किया, मतलब तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स डाला उस मूविंग बॉल पे, उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे, शांति से चल रहा था ना कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, विद सम मास है, बॉल का कुछ मास होगा, लेकिन तुमने जब किक मारा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ सेम डायरेक्शन में, समझो, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है, या तो स्पीड बढ़ेगी या तो कम होगी, जो भी स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। चल डेरिवेशन पे आते हैं, तुम्हें याद है हमने कुछ न्यूटन के 3 इक्वेशंस पढ़े थे, याद आ रहा है 3 इक्वेशंस। चलो मैं तीनों तीन बोलने को नहीं बोलूंगी, द लास्ट थर्ड इक्वेशन दैट इज v square minus u square is equal to 2as, v square minus u square is equal to 2as, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement। ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट आ गई थी। जो चीज ना करने को बोलते हैं ना वो करते हैं, तो अभी कुछ कुछ बच्चे क्या होंगे, ऐसे लिखेंगे साथ साथ में कि मैम के साथ साथ लिखते जाए, फटाफट चैप्टर समझे खत्म करें, कुछ तो लिखेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट है ना, सो यू नो ये तो टेक्स्ट बुक में भी दिया, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे समझने की जरूरत है ना। सो पहला तुमने क्या लिया, न्यूटन के थर्ड इक्वेशन की मदद ली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इससे ये फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हुई क्योंकि तुमने फोर्स लगाया, वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब इस वाले इक्वेशन में तुम्हें एक्सीलरेशन भी मिलेगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सीलरेशन, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट होता हुआ भी दिखेगा, तुम्हारे पास कुछ वेलोसिटी क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हुई, यानी पहले जो वेलोसिटी थी वो अलग थी, अभी जो वेलोसिटी है वो अलग है ना। सो ये इक्वेशन यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, displacement is equal to, क्योंकि 2a is multiplication with displacement, इधर आएगा तो division में, v square minus u square divided by 2a, rearrangement कर लिया, यह मुझे क्या पता चल गया, displacement कि बॉल का कितना displacement हुआ होगा, अगर उसका acceleration a है, उसका final velocity v है और इसका initial velocity u है। चलो अब मुझे वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू
mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. यहां से मेरे को पता चल गया फोर्स क्या है, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट पता है. वर्क डन निकालो. सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्या है फोर्स की वैल्यू? मास इनटू एक्सीलरेशन. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू ए. एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन कट क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हैं हम 1/2, ठीक है, 1/2 m, ओके, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर. सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सपोज इफ इनिशियली द ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? स्टार्टिंग में अगर रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर. व्हेन यू इज इक्वल टू जीरो, देखो यहां पे जीरो डालोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये था इक्वेशन, डेरिवेशन. सो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्या समझे यहां से? कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. बस इतना सा था. क्या याद रखने जैसा है बताओ? समझ आ गया? एक बार समझते फिर लिखवाती हूँ वापस. एक मास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हैविंग सम मास एंड इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी. लिखोगे कैसे? लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम मास मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम मास मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी. It shows some displacement or it undergoes some displacement because of some force applied on this moving object. Own words में लिखना है. क्या बोल रही हूँ मैं? समझ आ रहा है ना कि एक mass m का एक object है जो एक certain velocity, एक constant velocity के साथ move कर रहा है. Let that velocity be u. वो उसकी initial velocity थी. जैसे ही force लगाया, the velocity changed from u to v. चलो, वेलोसिटी चेंज हुई फोर्स लगने पे और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ. क्या समझे? डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, वेलोसिटी भी चेंज हुई, वर्क डन हुआ ना. वर्क डन फाइंड करना है बस. तो पहले वर्क डन निकालने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन, तीन इक्वेशन में से एक इक्वेशन लेना है न्यूटन का और उसमें से डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो ऐसा ही इक्वेशन चुनना पड़ेगा जिसमें एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हो. क्यों एक्सीलरेशन? क्योंकि वेलोसिटी चेंज, चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सीलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम एक्सीलरेशन. आर यू विथ मी? है ना. सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. So s is equal to v square minus u square by 2a. Displacement again. According to second law of motion, Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration. Force पता चल गया, displacement पता चल गई, and we find work done. Work done is equal to force into displacement. Force की value क्या लिखोगे?
मास इनटू एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन कट, क्या बचा? 1 बाय 2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जिसको ऐसा भी लिख सकते हो। सो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यू कैन से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल और डेल्टा रेफर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो रहती है, मतलब यू जीरो रहता है, तब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल। चलो अब लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखोगे? कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विथ मास m मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं नहीं, आराम से बोल रही हूँ। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस मूविंग ऑब्जेक्ट विच रिजल्ट्स इन दिस डिस्प्लेसमेंट, और विच रिजल्ट्स डिस्प्लेसमेंट इन द मूविंग ऑब्जेक्ट। अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, पॉज करके वापस सुनो मैंने क्या बोला। सो द वर्क डन विल बी, बस ऐसा करके छोड़ दो। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ न्यूटन यू वुड बी राइटिंग दिस, शोइंग दिस डिस्प्लेसमेंट। According to the Newton second law of motion, force is equal to mass into acceleration. ठीक है, पता नहीं तो नहीं बैठूंगी ना, पॉज करके देख सकते हो, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करने का, है ना? ये लिखने के बाद therefore work done is equal to force into displacement that is equal to ma into v square minus u square by 2a. a से a कैंसिल, half m v square minus u square, यानी half m v square minus half m u square. अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और फ्रॉम दिस वी कैन मेक दैट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज हाउ वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी। इजी था ना? कुछ रट्टा मारने की जरूरत है क्या? नहीं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये यूज करके फोर्स निकालना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। व्हाट यू वुड बी गेटिंग इज दिस नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स। देखो ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब क्या? कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि देखो ये मल्टीप्लीकेशन में ही है, मैं कह सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to mass when velocity is constant. अगर ये constant हो जाता है तो मैं बोलूंगी kinetic energy is directly proportional to mass. अगर mass constant है, obviously mass constant रहता है, तब मैं कहूंगी कि kinetic energy is directly proportional to the square of velocity. तो मैं याद, हमने uniform motion पढ़ा था कुछ क्लास सेवेंथ में, आई गेस मोशन एंड टाइम चैप्टर था, है ना? तो उसमें हम यू नो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते थे और हमें कुछ स्लोप मिलता था एज अ स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इक्वल यू नो इक्वल डिस्टेंस is covered in equal interval of time. और फिर ग्राफ प्लॉट किया था, तुम्हें याद हो तो कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है। मतलब क्या? मतलब क्या कि equal distances equal interval of time में कवर हो रहे हैं, so uniform motion straight line. Similarly, जैसे जैसे kinetic energy बढ़ रही है mass बढ़ेगा, और you can say कि if you increase the mass of the object काइनेटिक एनर्जी वुड ऑल्सो इंक्रीज। मतलब इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, सो मास अगर देखें
अगर मैं मास को डबल करती हूँ तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? इट वुड ऑल्सो गेट डबल. अगर मैं मास को हाफ करती हूँ, काइनेटिक एनर्जी वुड ऑल्सो बिकम हाफ. समझ आया? हाउ काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. Kinetic energy is dependent or is directly proportional to the square of velocity. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. Velocity ऐसा. अब देखो that depends है ना, क्या जो आपका क्या x axis है उस पर आप velocity ले रहे हो या velocity square ले रहे हो. ठीक है. सो हियर सिंस आई एम कंसीडरिंग वेलोसिटी देयरफॉर ऐसा ग्राफ. ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर से इसलिए ऐसा ग्राफ आया. कैसे आया? स्टडिंग इन हायर स्टैंडर्ड. तो अभी अगर हम इसको ना फोकस देते हुए वेलोसिटी देखें, तो अगर मैं ठीक है वेलोसिटी को डबल करती हूँ तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी फोर टाइम्स. है ना, वेलोसिटी को डबल किया, काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स. समझ रहे हो ना, स्क्वायर का यू नो रिलेशन है. जैसे तुमने साउंड में कुछ लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का किया था, है ना, स्क्वायर ऑफ लाउडनेस एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. याद आ रहा? थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ ये है. ठीक है, सो दिस आर द फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास यू नो बिफोर स्टार्टिंग पोटेंशियल एनर्जी वी विल बी फर्स्ट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे कुछ सॉल्व. ठीक है, जो भी टेक्स्ट बुक में अगर दिए हैं इसके रिलेटेड. एंड यू नो आई वुड बी प्रोवाइडिंग सम लिंक फॉर सॉल्विंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स. एंड देन वी वुड बी स्टार्टिंग विद पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो यू नो ट्राई टू राइट दिस यू नो डेरिवेशन और एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी और यू कैन से वर्क एनर्जी थियरम एट लीस्ट टू टाइम्स. ओके, तो याद रह जाएगा. एंड इट इज आस्क्ड इन एग्जाम, देयरफॉर आई एम आस्किंग यू टू राइट. ओके.